Stunning revelations has now come to fore on Sakshi murder case, as sources tell India Today that Sahil was plotting Sakshi's murder for a few days. Police say that Sahil, the demon behind the brutal murder of the 16-year-old girl, showed really no remorse after killing her. Preliminary investigation has revealed that Sahil was enraged after his breakup, and the fight between them a day earlier triggered this horrific act. Sources say that Sakshi and Sahil were in a relationship for about 3 years. Sakshi wanted to part ways with him, and after killing Sakshi, the murderer switched off his mobile phone to dodge the police, fled to UP's Bulandshahr. Sahil then revealed to the police that he hid his weapon in Delhi's Ritala after killing Sakshi in Rohini. India Today even accessed Sahil's Instagram chats, and police say that he was in contact with multiple girls while he was plotting the murder of Sakshi soon after they broke up. इस कॉलोनी में 2 साल इस सामने वाले मकान में सरफराज अपने एक बेटे साहिल और 3 बेटियों के साथ रहते थे. बताया जा रहा है कि साहिल मैकेनिक का काम करता था, जबकि सरफराज जो उसके पिता हैं वो बढ़ई का काम करते थे, दरवाजा खिड़कियां ये सब बनाने का काम वो किया करते थे. फिलहाल पुलिस साहिल से लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग उसने कब रची थी. कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली. पड़ा रहता था घर में, पड़ा रहता. उसके दोस्त दोस्त आते थे, कभी कोई नहीं आता था. तो कभी वो लगा था गुस्से वाला हो आसपास, कभी किसी से तो कुछ नहीं लगता था सर कि वो गुस्से वाला है, ना ही या कोई कुछ ऐसा काम किया. अच्छा. ना हमसे भी कोई भी बात किया उन्होंने कभी, या परिवार वालों भी नहीं कुछ बोले जी. किराया है कभी 10 दिन आगे दे देते थे, किसी दिन 10 दिन पीछे दे देते थे. कभी पूछा था कि शाहबाद डेयरी क्यों छोड़ के आए? ये हम नहीं पूछा था साहब, ये नहीं पूछा था. नहीं जी. और परिवार में कौन कौन था? 3 बहनें थी, उसके माँ बाप था, साहिल था. बाकी परिवार के लोग कब और कहाँ चले गए, कोई आइडिया? वो तो सरफराज पुलिस के साथ में चला गया. कल उसके 2 बहनें और उसकी माँ 12-1 बजे के करीब करीब में यहाँ से चले गए. यहाँ से चले गए. हाँ जी. श्री हत्याकांड कहें तो उसमें जो एक्यूज साहिल है, बिल्कुल वह बुलंदशहर फरार हो गया था, तो हमारी टीम है वहां से अरेस्ट कर ही लाई है, लेकिन केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है. कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, और बाकी के लिए ही हमने उसका पुलिस रिमांड लिया है. और इस दौरान इन 2 दिनों में हम और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे क्यों कब कहां, तो हर पहलू के ऊपर जांच चल रही है. वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है, और मतलब वो देखा नहीं जाता जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया. तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी. और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम LG साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए. आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा. Now, BJP, however, claimed that the gruesome murder of Sakshi was a case of love jihad, highlighting how Sahil, despite being a Muslim, wore a Hindu sacred thread on his hand. प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते, देख सकते. उन्होंने हुक्म किया, HM साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह. तो भैया वो कमी तो हम थोड़ा सा नहीं चला सर, वो कमी तो हम कैसे पूरी करें, कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे. जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी क्या फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको. अगर नाम झूठा बताता है तो इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है, अगर पहचान झूठी बताता है है. अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है. अगर झूठी पहचान बता के
शादी का दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करता है तो वो प्यार नहीं जिहाद है, और लव जिहाद के इस राक्षस से अपनी बेटियों को बचाना। आज महादेव की पूजा, त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ के ये संकल्प भी लेकर जाना कि एक एक बेटी को, बहन को लव जिहाद के राक्षस के बारे में बताएंगे। All right, now meanwhile, NCP MP Supriya Sule has pinned the blame of this gruesome murder on the center, saying law and order comes under the Home Ministry. Let's have a look. लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न आहेच दिल्लीत, ज्या पद्धतीने आपल्या कुस्तीवीर ज्यांनी ऑलिम्पिक्समध्ये मेडल आणलं त्या मुलींवर दिल्ली पोलिसने ज्या पद्धतीने क्रूर पद्धतीने त्यांना अटक केली, त्यानंतर आज जी घटना दिल्लीत घडली, त्याचा असा लॉ अँड ऑर्डरचा मोठा प्रश्न आहे। आणि दिल्लीचा लॉ अँड ऑर्डर हे केंद्राच्या होम मिनिस्ट्री गृहमंत्र्याकडे असतं।